दोस्तों, हम लोग जतमई आए हुए हैं, जतमई गटारानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में ये जतमई गटारानी का मंदिर पड़ता है। और मंदिर के साथ साथ ये खूबसूरत वाटरफॉल है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पानी के समय में यानी कि बारिश के टाइम में यदि आप यहाँ पे आते हैं, कि मेरे पीछे पूरा ऐसा पानी बह रहा है और ये पानी बहते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे की तरफ। तो मैं आपको जतमई के मंदिर के पास लेके आया हूँ। बोल लो क्या, सावन का सोमवार है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, लोग भगवान के और माता के दर्शन कर रहे हैं। और इसका तो आप कह ही रहोगे, देखिए पूरा वाटरफॉल है। जय हो माँ। ये जो मुख्य मंदिर है यही है जतमई माता जी। अच्छा, बहुत पुराना मंदिर है, दाता परदाता कोई पितृ मंदिर है, जो भी मांग पूरा होता है तो पूरा होता है। अच्छा, तो जतमई गटारानी में पानी का लेवल जो कहाँ तक पहुँच जाता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से देखिए पूरा पानी का जो लेवल है कहाँ से आ रहा है वो देखिए, वो ऊपर की तरफ से आ रहा है, और ये बहते हुए ये पूरा पानी देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है। और वो नीचे की तरफ कहाँ जा रहा है वो माते हुए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से वो पानी पूरा गिर रहा है, और गिरने के बाद ये पूरा एक कुंड जैसा बन जा रहा है, जो काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। और जंगलों के बीच से ये पूरा पानी गिर रहा है, तो बेहद बेहद खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। जो पानी का लेवल है वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और जतमई में जो मंदिर के चारों तरफ जो जंगल का व्यू है वो तो अलग ही है, बाकी बहुत सारे भक्त यहाँ पे मज़ा ले रहे हैं। पानी का लेवल जरूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एक रास्ता ये सामने की तरफ का जो पूरा बंद कर दिया गया है, और ये जो रास्ता यहाँ से लोग आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये जो जतमई का टेंपल है, अगर आप मानसून में आते हैं तो ये जान लीजिए बहुत मज़ा आएगा। इस समय यहाँ पर आने का जो मज़ा है वो अलग ही है, माँ के दर्शन और जो प्रकृति का ये जो खूबसूरत नेचर है ये दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये है हनुमान जी का मंदिर, और मंदिर के उस पार से जहाँ से पहाड़ी का रास्ता शुरू होता है वहाँ से वो पानी गिरता है, और वो पूरा देखिए बहते हुए ये झरने के एक रूप में जतमई में यहाँ पर वो एक खूबसूरत वाटरफॉल बन जाता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर घटारानी वाटरफॉल में। घटारानी भी एक बेहद खूबसूरत मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, और वहाँ पे भी बेहद खूबसूरत एक जलप्रपात बनता है, यानी वाटरफॉल बनता है। यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं घटारानी का ब्लॉग, घटारानी के बारे में पूरी जानकारी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए चिया की टोली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।